Welcome to video lecture series on structural analysis 1, also known as theory of structure. Now this is the continuation of lectures on analysis of frame using slope deflection method. So this is the last numerical of slope deflection method. Okay. Now here a frame is given with vertical member as AB and CD, also BC, right? BC is the horizontal member having 40 kilonewton per meter UDL over entire span, and at AB and CD there is 10 kilonewton load, right? Now again this is very important, how to pronounce means whether I should say this as AB or BA. Okay, so this is very important. अभी ऐसे फ्रेम में क्या होता है, जनरली लोड ये साइड से आ रहा है, ठीक है? तो जब लोड ये साइड से आ रहा है तो हमें ये साइड से देखना है, तो क्या हो जाएगा, फर्स्ट ए बी, सेकेंड इज बी, सो वी विल कॉल दिस एज ए बी. अब जब हम बी सी को देखेंगे, लोड ऊपर से आ रहा है, हम ये साइड से देख रहे हैं, तो दिस इज बी सी नॉट सी बी. अब ये केस में हमें ये साइड से नहीं देखना है, बी सी नहीं बुलाएंगे हम इसे, लोड ये साइड से आ रहा है, राइट? लोड ये साइड से आ रहा है तो हम ये साइड से देखेंगे और हम इसे कहेंगे सी डी. ओके, सो ये काफी इंपॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान में रखना है. अब सबसे पहले हम म्यू डायग्राम ड्रॉ कर लेंगे. तो म्यू डायग्राम ड्रॉ करने के लिए मुझे बीम बनाने दीजिए. दिस इज ए बी सी डी, ये क्या आ जाएगा, डब्ल्यू एल स्क्वायर बाय 8. सो डब्ल्यू एल स्क्वायर बाय 8 कितना होता है, 46 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 8, 180. सो दिस इज 180. And this is WL by 4. So WL is 4 divided by 4, that is 10. So this is okay. So what we will do, instead of taking this as 10, we will change this to say at least 90. Let us make this as 90. So yaha pe kitna jayega, 90, right? यहाँ पे 90 डायरेक्टली नहीं आएगा, हमने कैसे कैलकुलेट किया है, डब्ल्यू एल बाय 4 से कैलकुलेट किया. तो W कितना है, 90, L इज 4 डिवाइडेड बाय 4, सो 4 विल गेट कैंसिल एंड विल गेट 90. और ये कैसे कैलकुलेट किया हमने, डब्ल्यू एल स्क्वायर बाय 8 से कैलकुलेट किया, ठीक है? तो ये तो हो गए हमारी म्यू डायग्राम, एंड दिस म्यू डायग्राम इज पॉजिटिव, राइट? दिस म्यू डायग्राम इज पॉजिटिव. ओके, नाउ नेक्स्ट इज, नेक्स्ट वी विल लेट मी स्टार्ट राइटिंग फ्रॉम दिस पॉइंट. सो फिक्सेड मोमेंट कैलकुलेट कर लेंगे हम. सो फिक्सेड मोमेंट, लेट मी राइट डाउन हियर, फिक्स्ड एंड मोमेंट. तो सबसे पहले आ जाएगा एफ एम ए बी इज इक्वल्स टू माइनस डब्ल्यू एल स्क्वायर बाय 12, एंड एफ एम बी ए इज इक्वल्स टू प्लस. सो दिस वैल्यू इज, लेट अस कैलकुलेट दिस वैल्यू. W is 40, L is 6 square by 12. So this value is minus 120 and this is plus 120. Similarly, FM AB. So FM AB kitna hai, WL by 8, right? Minus WL by 8. So W is 90 into 4 divided by 8. 45 माइनस 45, सो एफ एम बी ए कितना हो जाएगा, प्लस 45. सिमिलरली एफ एम सी डी माइनस 45 एंड एफ एम डी सी प्लस 45, राइट? सो ये कैलकुलेट कर लिया हमने. नेक्स्ट इज फॉर्मुलेशन ऑफ स्लोप डिफ्लेक्शन इक्वेशन. सो फर्स्ट लेंगे हम स्पैन ए बी. ओके, सो समथिंग इज रॉन्ग हियर. ओके ओके, सो दिस इज नॉट ए बी स्पैन, दिस इज एफ एम बी सी एंड सी बी. ओके, बी सी एंड सी बी, देन ए बी बी ए सी डी एंड डी सी, राइट? सो एफ एम ए बी लेंगे हम, एफ एम ए बी. अच्छा मुझे बताइए ये कितना रहेगा, थीटा ए 0 एंड थीटा डी भी 0, थीटा बी और थीटा सी रहेगा, ठीक है?
सो स्पैन ए बी में एम ए बी कैलकुलेट करेंगे, सो एम ए बी कितना हो जाएगा, एफ एम ए बी प्लस टू ई आई बाय एल, हियर इट इज टू थीटा ए प्लस थीटा बी। अच्छा थीटा ए तो जीरो है राइट, एफ एम ए बी की वैल्यू कितनी है -45, सो -45 प्लस ई आई, आई इज वन हियर, एल इज फोर, तो 0.5 ई आई, सो ये हो जाएगा 0.5 ई आई थीटा बी, ये हो गया एम ए बी, से दिस इज वन राइट। यस नेक्स्ट इज एम डी ए, सो ये हो जाएगा +45 प्लस ई आई थीटा बी हो जाएगा राइट, से दिस इज इक्वेशन नंबर टू। नेक्स्ट इज स्पैन बी सी, सो स्पैन बी सी के लिए आ जाएगा एम बी सी इज इक्वल्स टू एफ एम बी सी प्लस टू ई आई बाय एल, हियर टू थीटा बी प्लस थीटा सी। नाउ आई इज टू ईयर, सो टू टू जा फोर, फोर डिवाइडेड बाय सिक्स, दैट इज 0.667 और 0.67 लेते हैं। सो एफ एम बी सी की वैल्यू कितनी है -120, 0.67 मीन्स 1.333 ई आर थीटा बी प्लस 0.667 ई आर थीटा सी, दिस इज एम बी सी। एम सी बी प्लस 120 प्लस 0.667 ई आर थीटा बी प्लस 1.33 ई आर थीटा सी राइट, सो दिस इज इक्वेशन वन टू, दिस इज इक्वेशन नंबर थ्री एंड दिस इज इक्वेशन नंबर फोर राइट। सो चार इक्वेशंस हो गए। नेक्स्ट इज एम स्पैन सी डी, सो स्पैन सी डी, सो एम सी डी इज इक्वल्स टू एफ एम सी डी प्लस टू ई आई बाय एल इन ब्रैकेट टू थीटा सी प्लस थीटा डी, और थीटा डी तो जीरो है फिक्स पे है इसलिए। अच्छा एफ एम सी डी की वैल्यू कितनी है -45, सो -45 और ये कितना आएगा 0.5, सो ये आ जाएगा ई आर थीटा सी एम सी डी। सिमिलरली एम डी सी प्लस 45 प्लस 0.5 ई आर थीटा सी, ये हो गया इक्वेशन फोर, देन इक्वेशन फाइव एंड इक्वेशन नंबर सिक्स। चलो व्हाट इज नेक्स्ट, नेक्स्ट इज अप्लाइंग इक्विलिब्रियम कंडीशन। तो दो जॉइंट्स हैं हमारे पास, जॉइंट बी एंड जॉइंट सी, तो जॉइंट बी पे अप्लाई करते हैं। जॉइंट बी क्या आ जाएगा, एम बी ए प्लस एम बी सी इज इक्वल्स टू जीरो। अच्छा बी ए कितना है, 45 प्लस ई आई थीटा बी, 45 प्लस ई आई थीटा बी। बी सी कितना है, 120 माइनस 120 माइनस 120 प्लस 1.333 ई आई थीटा बी प्लस 0.667 ई आई थीटा सी इज इक्वल्स टू जीरो, तो ये हो जाएगा 2.333 ई आई थीटा बी प्लस 0.667 ई आई थीटा सी, और लेट मी चेक, यस करेक्ट, सो दिस इज सेवेंटी फाइव, सो दिस से दिस इज इक्वेशन ए।
Similarly, next joint is joint C. So MCB plus MCD is equals to 0. So MCB is 120 plus 0.667 EI. 120 plus 0.667 EI theta B plus 1.333 EI theta C. Okay, what about CD? So CD is minus 45 EI theta C is equals to 0. So 0.667 EI theta B, then 1.33, and this is 2.33, so plus 2.333 EI theta C. Okay, and 120 minus 45, that is 70. Okay, 75 minus 75, so minus 75. This is equation B, right? Now solving this equation, so in equation we will solve this equation. 2.333, 0.667, then 75, 0.667, 2.333, and minus 75. So EI theta B value is, EI theta B is equals to 45.02, and EI theta C is equals to, let us take this as 45 and this as minus 45. Okay, so EI theta B is plus 45 and EI theta C is minus 45. Now we will simply calculate value of MAB, BA, BC, CB, CD and DC. So let me write down here MAB, MBA, MBC, MCB, MCD and MDC. अभी क्या करना है हमें, ये जो वैल्यूज है ये सिंपली इक्वेशन में पुट करनी है, ठीक है? सो फर्स्ट इक्वेशन एम ए बी माइनस 45 माइनस 45 प्लस 0.5 ई आई थीटा बी इज प्लस 45, माइनस 22.5. Similarly, BA plus 45 plus EI theta B is 45, that is 90. Then BC minus 120 plus 1.333 into 45 plus 0.667 into minus 45, minus 90. Similarly, CB, it is 120 plus 0.667 into 45 plus 1.333 into 45, sorry, minus 45, it is 90. Then MCD minus 45 plus minus 45, that is minus 90. MBC 45 plus 0.5 into minus 45 plus 22.5, right? So we got these values. Now how to plot these values? तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले अलग बना लेंगे, like this. This is BC, then
दिस इज ए बी एंड दिस इज सी डी, राइट। तो ये ऐसे क्यों लिया, जो साइड से लोड है उसके अपोजिट साइड से रिएक्शन देना है। अब ए बी कैसा है, एंटी क्लॉकवाइज है, तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे और एंटी क्लॉकवाइज जाएंगे लाइक दिस। तो ये कहाँ पे प्लॉट होगा, ये साइड में प्लॉट होगा। बी ए क्लॉकवाइज है तो ये भी ये साइड में प्लॉट होगा, ठीक है। देन बी सी एंटी क्लॉकवाइज ऊपर प्लॉट होगा, सी बी क्लॉकवाइज ऊपर प्लॉट होगा, सी डी एंटी क्लॉकवाइज ये साइड में प्लॉट होगा एंड बी सी क्लॉकवाइज ये साइड में प्लॉट होगा, ठीक है। तो अभी हम प्लॉट कर लेते हैं इन्हें। चलो ए बी कितना है, 22.5, तो ये 90 है, 45, 22.5 काफ़ी कम रहेगा, तो 22.5। ये कितना है, 90, 90 इसके ऊपर प्लस माइनस माइनस, इसके ऊपर का एरिया प्लस नीचे का एरिया माइनस माइनस, इसके ऊपर का एरिया प्लस नीचे का एरिया माइनस माइनस, राइट। सो दिस इज अगेन 90 90, दिस इज 90, दिस इज 90, दिस इज 22.5, दिस इज ऑल्सो 22.5। सो दिस इज फाइनल बीएमडी। ओके, सो होप यू हैव अंडरस्टूड दिस। इन केस ऑफ एनी क्वेरी प्लीज कमेंट द कमेंट बॉक्स।